हेलो दोस्तों, अब अपन इस जनरेटर में ये एक केबल पहले से लगी हुई है, तो अपन अब दूसरी केबल को भी इसी पैनल में लगाएंगे। तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से एक ही जगह पर दो केबल को किस प्रकार कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अपनी एक केबल पहले से इंस्टॉल है इस पैनल में, अब अपन दूसरी केबल को इंस्टॉल करेंगे। तो बनी रहिए वीडियो में, फुल डिटेल मिलेगी आपको किस प्रकार से ये दूसरी केबल को भी अपन इसी पैनल में लगाएंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं किस प्रकार से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना केबल की जगह है जहाँ से अपन केबल को अनलोड करेंगे अंदर से। इसके लिए बन रही है, इसको अपन हाथ पे लोड लेके रखना है, क्योंकि वो यहाँ पे हल्का सा इंसुलेशन कट सकता है। इसके लिए आपको हाथ पे पुश करना अच्छे से, इसके ऊपर रगड़ के ना जाए, केवल आराम से जानी चाहिए अंदर। तो उसको इसी प्रकार से अपन मिट्टी में बना देना है, सभी को आर की तरफ पहुंचा देना। इस प्रकार से इसे मैंने पहुंचा दिया है, यूँ वाई को वाई की तरफ पहुंचा देना है। हल्का सा हाथ का प्रेशर यूज करेंगे अपन, हाथ की तरफ इसको मोड़ते हुए वाई को वाई की जगह पर, ब्लू को। अब देखना इसको लगाने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, ये लग्स ना अभी उल्टा दिख रहा है अपन को, अभी इसको अपन को हाथ से घुमाना रहेगा अच्छे से, जिससे इसके ऊपर अच्छे से होल्ड हो जाए। इस प्रकार से आपको घुमा के इसको ऐसे सीधा कर देना है, तो ये इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा, अच्छे से आसानी से, जिससे इसके ऊपर लोड कम आएगा और ये लाइफ ज़्यादा अच्छी लंबी हो जाएगी इसकी। तो इस प्रकार से आपको चारों केबल्स को ऐसे ले लेना है सीध में, तो इसको अपन को लूज करना है। पहले से उनको लूज करके रखा हुआ है दोस्तों, ये आसानी से खुल जाएगी। ऐसे आपको न्यूटन का है दोस्तों, इसको इस प्रकार से प्रॉपर आ जाएगा इसके ऊपर बिना लोड दिए। तो इसके ऊपर अपन को पहले बाइसल लगाना है, ये बाइसल आ जाएगा, ये स्प्रिंग वाला बाइसल, और ये स्प्रिंग वाला बाइसल इसलिए डालते हैं दोस्तों कि ये जब भी कभी लोड पे चलती है केवल, तो ये हीट होके इसमें चिपक जाता है। तो इस बाइसल की सहायता से ये वो समस्या नहीं आती है कि आप कभी इसको खोलते हैं तो इसके अंदर चिपकने के लिए, तो इसलिए इसमें ये बाइसल ज़रूर लगा के रखने हैं आपको। इसको ऐसे टाइट करने के बाद में आप इसको दोनों स्क्रू ड्राइवर स्पिनर से भी टाइट करेंगे, सॉरी स्पिनर की सहायता से अच्छे से टाइट करेंगे बाद में। अब इसको आप हाथ से लगा दीजिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, पर फुल डिटेल वीडियो के लिए आप देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको सभी चीज़ें। इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे बिना कटिंग करके वीडियो में, चल रहा है अपना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपके पास ऐसी इलेक्ट्रिकल की वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए करेगी। हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल की सभी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे आपको कोई भी पैनल कनेक्शन क्या करना है। तो सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको इसके अंदर फ्यूल कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा, किस प्रकार से इसको ऑन करते हैं वो भी बताऊंगा। देखते रहिए, ठीक है।
इस सभी केबल्स आसानी से इसके ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखने में थोड़ा आसान लगता है, पर जब आप केबल्स को किसी टर्मिनेशन पर लगाते हैं तो बड़ा ही हार्ड वर्किंग होता है। तो पूरे डिटेल के साथ देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से, लूज कनेक्शन से ये पैनल जल सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा सावधानी का रहता है, तो आप जल्दबाजी ना कीजिएगा, पूरी डिटेल के साथ देख के वीडियो को, तभी किसी पैनल वैनल पर सीखने के बाद ही हाथ डालिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में लूज कनेक्शन से स्पार्क होता है, स्पार्क से केबल वेबल जल सकती है और ब्लास्ट होने का डर रहता है। तो देखिए, आपको मैं पूरी डिटेल से दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप अच्छे से टर्मिनेशन कर सकते हैं। देखिए, तो आपके सभी कनेक्शन एकदम आसानी से हो रहे हैं, कोई भी हार्ड टर्मिनेशन के ऊपर टेंशन नहीं है, क्योंकि केबल प्रॉपर वे में लगी हुई है। इसलिए केबल को प्रॉपर केबल लगने के बाद में भागनी नहीं चाहिए, टर्मिनेशन के ऊपर ही होल्ड रहे आसानी से। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, अगर ज़्यादा हार्ड रहेगी तो ये